जो लोग 90s बॉर्न हैं, उन्होंने कुछ कुछ होता है जैसी चुलबुली फिल्म जरूर देखी होगी। 16 अक्टूबर साल 1998 में आई करण जौहर की ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और जलवा में मैं हूं आपके साथ मलिका मल्होत्रा। रिविजिट में आज कहानी कुछ कुछ होता है फिल्म की। इस फिल्म की दो खासियत है, एक है फिल्म की स्टार कास्ट और दूसरी खासियत है करण जौहर। कुछ कुछ होता है पूरी तरह से करण जौहर की फिल्म मानी गई। इसका आइडिया करण जौहर का था, फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखी और निर्देशन भी किया। इस फिल्म में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी लीड रोल में हैं। शाहरुख और काजोल की ये ऑन स्क्रीन जोड़ी में चौथी फिल्म है। फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में सलमान खान भी है। सना सईद के करियर की ये पहली फिल्म है। फिल्म की कहानी एक कॉलेज की है, तब आज की तरह बच्चे दौड़ती भागती जिंदगी में सिर्फ किताबों में नहीं घुसे रहते थे, बल्कि कॉलेज एक फन की जगह भी हुआ करता था। राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। राहुल एक मस्त मौला लड़का है और अंजलि भी बिल्कुल राहुल की तरह ही मस्त मौला लड़की है। पहनावा भी लड़कों की तरह है, उठना बैठना सोचना सब लड़कों की तरह। दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त है और कॉलेज की शान है। हालांकि राहुल कॉलेज में हर दूसरी लड़की के पीछे भागता है, जो बात अंजलि को अच्छी नहीं लगती, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उससे प्यार करती है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट आता है। फिल्म में यहाँ एंट्री होती है ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी रानी मुखर्जी की, जिसे पहली बार देखते ही शाहरुख दिल दे बैठते हैं। अंजलि यूं तो राहुल की दोस्त है, मगर टीना के साथ बढ़ती उसकी नजदीकियां उसे अब परेशान करती हैं। उसे एक तरह से जलन होने लगती है और तब उसे एहसास होता है कि राहुल उसका दोस्त ही नहीं बल्कि वो उससे प्यार भी करने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ टीना की ओर आकर्षित राहुल को अब टीना भी चाहने लगी है। यहाँ से कहानी लव ट्रायंगल की ओर बढ़ती है और फिर फाइनली राहुल और टीना के लिए अंजलि कॉलेज छोड़ देती है। अंजलि तो चली जाती है, मगर अंजलि के प्यार से बेखबर राहुल टीना से शादी कर लेता है। दोनों की एक बेटी होती है और वो उसका नाम अंजलि रखते हैं। लेकिन इस बीच टीना की मौत हो जाती है और टीना अपनी बेटी के लिए हर जन्मदिन के लिए एक एक खत छोड़ जाती है, जिसे वो अपने हर जन्मदिन पर एक एक कर पढ़ती है। दरअसल इन खतों में राहुल, अंजलि और टीना की कॉलेज लाइफ के किस्से हैं। अंजलि जब 8 साल की होती है तब उसे पता चलता है कि कॉलेज के दिनों में उसके पापा राहुल को अंजलि बहुत पसंद करती थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती। लेकिन माँ की मौत के बाद अब वो अपने पापा का फिर से घर बसाना चाहती है। ये ख्वाब मरती हुई टीना ने भी देखा था, ये ख्वाब पूरा भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो यही इस फिल्म की खूबसूरती है। इस फिल्म की कहानी ने तो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा ही था, साथ ही इसके गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं। समीर के लिखे गीत और जतिन ललित के संगीत ने जादू कर दिया। उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज में लगभग इस फिल्म के सारे गाने हैं। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। करण जौहर को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर और पटकथा लेखक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए शाहरुख खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार काजोल को मिला। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिला। इस फिल्म में शाहरुख, काजोल और रानी के अलावा अनुपम खेर, फरीदा जलाल, अर्चना पूरन सिंह, जॉनी लिवर और हिमानी शिवपुरी तरीके कलाकार हैं। फिल्म को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, कोरियोग्राफर गीता कपूर, फराह खान भी दिखाई देंगे। जलवा का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए आज तक डिजिटल। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।